कल ही 15 सितंबर को आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, सो इट इज़ बेटर टू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया, कम टू दुबई, बाई एन आईफोन एंड देन यू कैन फ्लाई बैक टू इंडिया एंड स्टिल सेव मनी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नया दिन दुबई में। आज हमारा 5वां दिन है। मैं यहाँ वेंसडे को लैंड किया था और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज यहाँ वेंसडे के बाद 5वां दिन है और हम फंसे हुए हैं बुरी तरह से। कस्टम्स ने हमारी गाड़ी होल्ड कर रखी है और अभी वो गाड़ी मिल नहीं रही है, और स्पेशली वीकेंड होने की वजह से हम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ बेसब्री से मंडे का। कल सुबह जाके कस्टम ऑफिसर से मिलके उनसे बात करके कोशिश करता हूँ गाड़ी रिलीज़ करवाने का, बट यू नेवर नो, अगर कल गाड़ी नहीं मिली तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो फेरी जाती है वो ट्यूसडे को जाती है, और अगर कल गाड़ी नहीं मिली मंडे को तो मैं ट्यूसडे की फेरी नहीं ले पाऊँगा। उसके बाद जो सेकंड फेरी है वो फ्राइडे की है, और अगर फ्राइडे को मैं जाता हूँ फेरी से तो फिर ईरान का सारा कस्टम ऑफिस सैटरडे संडे को बंद होगा, तो मेरे लिए ये 7 डेज़ का पीरियड जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। बट लेट्स सी, कल सुबह होपफुली कस्टम्स वाले मान जाएँ और सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी हो जाए। अभी फ़िलहाल तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सो मीनवाइल लेट्स एन्जॉय दुबई। आज का एक और नया दिन शुरू हो गया है और कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का प्लान है दुबई में। कुछ बढ़िया खाने का जॉइंट देख ढूंढते हैं और फिर मैं पता करता हूँ। यहाँ पास में कुछ बीचेस हैं, जुमेरा बीच है और डेज़र्ट सफारी वगैरह भी होती है। मैंने पहले कर रखा है डेज़र्ट सफारी, बट अगर आज टाइम मिला तो देखते हैं आज या कल डेज़र्ट सफारी भी करने का प्लान करेंगे। तो लेट्स सी, चलिए साथ में मिलके दुबई को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं व्हाट दुबई हैज़ टू ऑफर। यहाँ पे कुछ रोल्स, शर्मा वगैरह मिलता है, तो यहाँ पे हम आए हैं हराफ अल शाम नाम से कोई रेस्टोरेंट है। वी रियली लव्ड योर एम्बियंस, लाइक ओवरऑल आई मीन इट्स वेरी प्लस आवर शर्मा द बेस्ट, द शर्मा रोल। सो शर्मा इज चिकन, वी हैव बोथ chicken and meat and both shawarma. Okay, so let me also, we have some in the map. It's now after 3 days, we are going to start the charcoal. Okay, kebabs and everything, full chicken grilled, all that's amazing. Lovely. Great. So I'll go for a chicken shawarma. Lovely. And she'll choose something from the vegetarian. Yes. I think it's very tasty, you will like it. तो आज हम हैं एक सीरियन रेस्टोरेंट में और हम ट्राई कर रहे हैं सीरियन डिश मोहम्मरा, जो कि पिज़्ज़ा की तरह लगता है। दिस इज़ अ वेजिटेरियन डिश और इसके साथ में हमने मंगाया है शवरमा रोल, और बट ये बिल्कुल ऑथेंटिक सीरियन शवरमा रोल है और ये मोहम्मरा है। सो लेट मी टेस्ट द फर्स्ट बाइट। This is nice. और ये आ गया है मेरा पोमेग्रेनेट जूस। ये बिल्कुल फ्रेश अनार का जूस निकालते हैं एंड एंड दिस इज माई टेस्टी पोमेग्रेनेट जूस, जो कि बिल्कुल फ्रेश अभी बनाया गया है। ये दुबई के रेस्टोरेंट्स का जो एम्बियंस है ये बहुत ही अमेजिंग होता है। जैसे ये एक रेस्टोरेंट है जो ग्राउंड फ्लोर पे बाहर की तरफ है, और वेदर अच्छा होने के कारण लोग यहाँ बाहर बैठ के खाते हैं और साथ में ही गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से जा सकते हैं, तो इट इज़ अ नाइस एम्बियंस एंड अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। दिस इज़ अ डेजर्ट कॉल्ड कुनाफा। दिस इज वेरी स्वीट एंड फिल्ड विथ क्रीम इनसाइड। This is fully filled with cream inside. आज ये अनबॉक्सिंग करते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और मुझे थोड़ा दुख भी है, क्योंकि कल ही 15 सितंबर को आईफोन 15 लॉन्च हुआ है और मैं आईफोन 14 खरीद के लाया हूँ, और आईफोन 14 का प्राइस भी अब बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि नया मॉडल आ गया है।
लेकिन आईफोन 15 अभी मार्केट में आने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते और मुझे अभी एक फ़ोन की बहुत ज़रूरत थी अपने ट्रैवल पे, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB वाला ख़रीदने का। मुझे रिकॉर्डिंग काफ़ी करनी होती है तो स्टोरेज स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, दो मैं iCloud भी यूज़ करता हूँ बट उसके बाद भी मुझे स्पेस की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी तक मैं एक 12 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा था विथ 512 GB स्टोरेज, उस समय वही मैक्सिमम आता था 12 सीरीज़ में। तो अब आइए आप लोगों के साथ में आईफोन 14 की अनबॉक्सिंग करते हैं। और कोई भी नई चीज़ खरीदते हुए या खोलते हुए एक खुशी तो होती ही है, तो आज फाइनली मैं अपने इस न्यू गैजेट से बहुत ही खुश हूँ और मैं आप सब लोगों को भी खोल के इसको दिखाता हूँ। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, वाइट, ब्लैक, गोल्डन और पर्पल। तो वाइट और ब्लैक बहुत ही बेसिक से कलर हो जाते हैं तो इसलिए मैंने अभी उसको नहीं चूज़ किया है, और पर्पल भी मेरा इस बार लेने का मन नहीं था क्योंकि मैं पहले जो 12 प्रो मैक्स यूज़ करता हूँ वो ब्लूइश कलर का है, तो इस बार मैंने डिसाइड किया है गोल्डन कलर में आईफोन यूज़ करने का। और ये अभी तक का आईफोन का सबसे बेस्ट मॉडल होता था, हालांकि अब आईफोन 15 आ जाएगा तो दैट विल बी द सुपीरियर मॉडल। दुबई में आईफोन के प्राइसेस बहुत ही सस्ते हैं, मैंने अपने व्लॉग में जहां से मैंने ख़रीदा है वहां सारे फ़ोन के प्राइसेस का कंपैरिजन दिखाया है। लोग कहते हैं कि आप दुबई फ्लाइट से आना जाना रुकना होटल का खर्चा सब निकाल सकते हो, इतना प्राइस में आपको डिफरेंस मिलता है या इतने पैसे आपके बच जाते हैं। सो इट इज़ बेटर टू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया, कम टू दुबई, बाय एन आईफोन एंड देन यू कैन फ्लाई बैक टू इंडिया एंड स्टिल सेव मनी। तो अब मेरा फ़ोन जो है ये खुल चुका है और ये है इस फ़ोन का फर्स्ट लुक। एप्पल की जो पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग खुद में एक क्लास है, इतने छोटे से बॉक्स में इतने क्लासिक तरीके से इसको पैक किया जाता है। और ये है मेरा आईफोन विच इज़ इन गोल्डन कलर। ये बैक अगर देखें तो ये वाइट नहीं है, ये थोड़ा ऑफ वाइट गोल्डन शेड का है और इसके साथ में ये स्टील कलर की इसकी बॉडी आती है। और ये इसका स्क्रीन है, अमेजिंग। एंड इसकी कैमरा क्वालिटी वगैरह जो है वो बहुत ही इम्प्रूव कर दी गई है। 12 सीरीज़ में सिनेमैटिक मोड नहीं आता था, अभी इस 14 सीरीज़ में सिनेमैटिक मोड भी आता है, तो उसके साथ में इसके कैमरा की वीडियो की क्वालिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो गई है। लेकिन मैं इसको 6 महीने यूज़ करने के बाद दोबारा 15 पे अपग्रेड करूँगा, तो आप में से किसी को अगर ये फ़ोन लेना हो तो अप्रैल में ये फ़ोन अवेलेबल रहेगा, इट विल बी अप फॉर सेल। इसके साथ में आईफोन के फीचर्स के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता है। और ये इसके साथ में एक लाइटनिंग केबल बोलते हैं जो सी टाइप टू लाइटनिंग साइड का केबल होता है चार्जिंग के लिए। और एप्पल इसके साथ अब कोई गैजेट वगैरह नहीं देता है, इवन पावर अडैप्टर भी नहीं आता है, तो पावर अडैप्टर भी अलग से लेना होता है। मैं अपने पुराने फ़ोन का पावर अडैप्टर यूज़ करने वाला हूँ। एक छोटा सा ब्रोशर आता है, स्टिकर वगैरह, एंड देयर इज़ नथिंग एल्स इन द बॉक्स। इसके बाद इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। इसके साथ मैंने अलग से कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, इनफैक्ट मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे शॉप वालों ने फ्री दिया है, जिसमें ये एक मैग्नेटिक केस है। और ये मैग्नेटिक केस जो है ये वायरलेस चार्जिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और ये मेरे आईफोन के गोल्डन कलर से बिल्कुल मैच करता है। इसको मैं ऐसे कलर्स को मैं दुबई कलर कहता हूँ क्योंकि यहाँ दुबई में लोगों को गोल्डन कलर बहुत पसंद है, तो वो शॉप वाला जब मुझे कोई अच्छी चीज़ देना चाह रहा था तो उसने मुझे गोल्डन कलर में लाके दिया। हालांकि मेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि ये आईफोन के कलर के साथ मैच करता है। एंड इसमें ये मैग्नेटिक केस है जिससे मैं इसको कवर के साथ में फ़ोन को चार्ज भी कर सकता हूँ। और उसके साथ में मैंने लिया है एक आईफोन का ग्लास कवर, टेम्पर्ड ग्लास, जो मैं अपनी स्क्रीन पे लगाऊंगा ताकि वो थोड़ा स्क्रीन मेरा सेफ़ रहे। और इसके साथ में व्लॉगिंग के लिए मैंने बैक कैमरा के पास में लगाने के लिए एक बैक मिरर लिया हूँ, जिसको अगर मैं कैमरे के पास में लगा देता हूँ तो मैं अपने आप को देख सकता हूँ और बैक कैमरे से मैं अपने व्लॉग्स और रिकॉर्डिंग वगैरह बना सकता हूँ। तो ये था आप लोगों के लिए आईफोन 14 की अनबॉक्सिंग वीडियो। प्राइसेस के लिए आप मेरा वीडियो चेक करें पूरा, जिसमें मैंने
शॉप से खरीदते हुए सारे प्राइस का कंपैरिजन दिखाया है। अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं दुबई मोबाइल मार्केट का पूरा एड्रेस, लोकेशन, इनफैक्ट कोशिश करूँगा कॉन्टैक्ट वगैरह भी यहाँ का डाल दूँ, ताकि आप लोग डायरेक्टली उस शॉप से कॉन्टैक्ट करके, और अगर आप में से किसी को कुछ लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। दुबई में दो तरह के आईफोन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक US वर्जन है और एक इंटरनेशनल वर्जन है। सो US वर्जन इज़ ओनली eSIM, इसमें दो eSIM एक साथ एक्टिवेटेड रह सकते हैं। ये डुअल सिम है बट बोथ आर eSIMs, तो इसमें अगर मैंने जो लिया है वो US वर्जन है तो इसमें फिजिकल सिम का कोई भी स्लॉट नहीं है। वेयर एज एक इंटरनेशनल वर्जन भी आता है जो कि करीब 300 या 400 दिरहम्स इससे महंगा है, मतलब इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 10,000 रुपये ज़्यादा महंगा है, जिसमें एक फिजिकल सिम और एक ई सिम लगाया जा सकता है। बट क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर प्रोवाइडर्स अब ई सिम दे देते हैं, जैसे एयरटेल, जियो, मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो उसमें ई सिम मिलने में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने ई सिम वाला वर्जन चूज़ किया है। मुझे पर्सनली ई सिम वाला वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है और 10,000 रुपये कम का भी आ जाता है। तो ई सिम वाला वर्जन जो है वो यहाँ पे करीब 4700 दिरहम्स का है, जिसका मतलब करीब 1,05,000 रुपये इंडियन करेंसी में वो आता है। और वहीं पे जो इंटरनेशनल वर्जन है, जो सिम कार्ड वाला वर्जन है, वो करीब 1,15,000 रुपये में दुबई में अवेलेबल है। तो मैंने ई सिम वाला 1,05,000 रुपये में आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB का ऑप्शन अपने लिए चूज़ किया है इन गोल्डन कलर। दैट वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।